बताइए कि जिनका एज ओवर हो गया है, अब वहाँ से जो सरकार का फरमान है कि नया आएंगे तो जो गेस्ट हैं वो हटेंगे, तो अब वो कहाँ जाएंगे ये बताइए। हम लोग जेपी विश्वविद्यालय से हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को समायोजित किया जाए। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि हम अतिथि शिक्षक के रूप में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, तो हमें अब नियमित करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि एक तरफ लगातार जो बिहार सरकार है वो नियुक्ति पत्र बांट रही है और रोजगार देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। और अब देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो गेस्ट लेक्चरर होते हैं अब वो भी धरना स्थल पर पहुंच चुके और धरना पे बैठे। आइए हम इन लोग से बातें करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं? जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा जी। क्या मांग है? हम लोगों का सरकार से नियमितीकरण का मांग। कितने दिनों से सेवा में? हम लोग 4 साल से। आप लोग को हटाया जाए? हम लोग को नियमितीकरण, जब बीपीएससी की बहाली हुई थी उसमें हम लोग का नोट्स में आया था कि बीपीएससी से बहाली होने के बाद हम लोग को हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो बहाली पूर्ण हो गई लेकिन हटाया नहीं गया। अब बिहार राज्य कर्मचारी से किया जा रहा है, उसमें आने के बाद कुछ लोगों को हटाया गया यूनिवर्सिटी में। चलिए बताइए कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाए? हम जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर हैं। कितने दिनों से? मेरा तो लगभग 4 साल होने वाला है। मांगे है कि सीटों की रिक्तियाँ है और सरकार चाहे तो हम लोगों को मतलब समायोजन कर सकती है, मतलब अस्थाई कर सकती है। हाँ, अस्थाई मतलब अब बताइए कि जिनका एज ओवर हो गया है, अब वहाँ से जो सरकार का फरमान है कि नया आएंगे तो जो गेस्ट हैं वो हटेंगे, तो अब वो कहाँ जाएंगे ये बताइए। जबकि देखा जाए तो छात्र के अनुपात में शिक्षकों की संख्या अभी कम है, क्योंकि ये बहुत पहले का जो है। अब मान लीजिए कि दिन पर दिन जो छात्र का जो संख्या है, एडमिशन लेने की संख्या बढ़ रहा है 30 लगभग, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो शिक्षकों की संख्या बढ़नी भी चाहिए। सारे कॉलेजों में इंटर का एडमिशन हो रहा है, हाँ, और जो कि इंटर का और सब कॉलेजों में, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी वगैरह में इंटर हट गया है 2000, हमको जहाँ तक याद है कि 2005 में 4-5 में इंटर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती थी, तो यहाँ तो हट गया है, ग्रेजुएशन का हो रहा है, लेकिन और जगह जो है इंटर का भी हो रहा है और ग्रेजुएशन का भी हो रहा है, एडमिशन हो रहा है इंटर का, लेकिन उस हिसाब से वहाँ पे शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है। चलिए, तो क्या लगता है कि अब यहाँ पहुँचने से सरकार तक आप लोग की आवाज़ पहुँचे? हमको तो आशा है कि सरकार हमारी मांग को मानेगी, लेकिन अभी जो बहाली हो रही है विश्वविद्यालय सेवा आयोग से, जितनी सारी बहालियाँ हो रही है विषय बाय विषय करके पोस्टिंग किया जा रहा है, और जो पहले से गेस्ट फैकल्टी लोग वहाँ कार्यरत है उसको हटाया जा रहा है, समझे कि नहीं? कितने समय से आप लोग सेवा? हम लोग तो 4 वर्ष से सेवा दे रहे हैं, समझे कि नहीं? और मैं बिहार यूनिवर्सिटी में हूँ हिंदी भी। कितने समय से आप लोग सेवा में हैं? हम लोग जेपी विश्वविद्यालय से हम लोग हैं। हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को समायोजित किया जाए, क्योंकि हम लोगों के विषय वाइज जो शिक्षक आ रहे हैं बहाल होकर के, उनको हटाया जा रहा है, तो उस पर रोक लगे और हम लोगों को समायोजित किया जाए, यही मांग है हम लोगों की सरकार से। चलिए, तब देख सकते हैं ये क्या बोले जी। बोलिए, शिक्षकों को चलिए क्यों आप लोग बैठी ये बताइए, क्या आप लोग की मांग है? हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि हम अतिथि शिक्षक के रूप में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, तो हमें अब नियमित करेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। हम कई वर्षों से बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जब पढ़ाई बाधित हो गई थी उस समय हम लोगों का नियोजन जब हुआ तब हम
तब से काम करते आ रहे हैं, बच्चों के भविष्य को दिन प्रतिदिन बढ़ोतर करते जा रहे हैं। समय से आप लोग सेवा में हैं? तकरीबन 3 साल से है। 3 साल से सेवा में हैं। आप लोग को हटाया? नहीं, अभी हटाया नहीं गया है। कुछ विषयों की जो नियुक्ति हुई उससे आशंकित है कि कुछ विषयों को हटा दिया गया है अतिथि प्राध्यापक को, तो हम लोग संघर्ष के लिए आगे बढ़े हैं और अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी से रखना चाह रहे हैं कि वो हमारी बात को सुने और हमें नियोजित करें, समायोजित करें, हमारी सेवा का समायोजन करके हमें समाज में यहाँ पे बैठने से मुख्यमंत्री। हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से यूनिवर्सिटी से आप? बिहार यूनिवर्सिटी से है, मुजफ्फरपुर। हम लोग 5 सालों से हैं। अभी हम लोगों की बस यही डिमांड है कि जिस तरह से उड़ीसा में हुई, कोलकाता में हुई, उसी तरह से यदि केंद्र चलती है सभी देशों को लेके, तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा स्टेट भी है वो ऐसे ही चलनी चाहिए कि जहाँ जैसे कि कोलकाता में हुई, परमानेंट किया गया, आपका उड़ीसा में हुआ, पंजाब में हुआ, तो यहाँ भी होनी चाहिए। तो ये हम लोगों की बस एक ही डिमांड है कि पहुँचना चाहिए, पहुँचेगी, बिल्कुल पहुँचेगी। और मान की बात है, और ये अगर हम लोग को हटाया जाएगा तो ये हमारे आत्मसम्मान की बात है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, और जिस कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं उसके बच्चों के भविष्य की बात है। और बस सरकार से बस एक ही मांग है कि हमारे प्रतिष्ठा से वो खिलवाड़ ना करें, बस, क्योंकि एक प्रतिष्ठा दी है कहीं हम लोग, क्योंकि हमारे परिवार की जिम्मेदारी, बहुत सारी महिलाएँ पुरुष यहाँ पर हैं जिसकी जिम्मेदारी जो है वो महिला के ऊपर है। किसी का पुरुष कुछ नहीं कर रहा, किसी का अपंग है, किसी का अपाहिज, किसी का डेथ कर गया है, तो उस महिलाओं का जो बच्चों की जिम्मेदारी उस महिला के ऊपर है। और हम यही चाहेंगे कि हम लोग के सम्मान के साथ खिलवाड़ करें, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, हम लोग नियमित करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले गेस्ट लेक्चरर, और आपको बता दें कि इनका कहना है कि हम लोग 4-5 सालों से, लंबे समय से हम लोग सेवा में हैं, हालांकि अब सरकार के द्वारा अब हम लोग को हटाने की प्रक्रिया की जा रही है और कई साथियों को हम लोग को हटा दी गई। और इनका मांग है सरकार से कि अब जो हम लोग इतने सालों से जो गेस्ट लेक्चरर बनकर जो विश्वविद्यालय में सेवा की है, तब हम लोग की जो नौकरी थी उसको अस्थायी किया जाए। और भी इनका क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप फिर से जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।